हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गूगल के स्टार्ट राउंड सी 2022 का फर्स्ट प्रॉब्लम न्यू पासवर्ड के बारे में। सो बिफोर डैट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करते हुए जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे ढंग से। आप क्वेश्चन में क्या देगा कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको एज ए पासवर्ड आप ट्रीट करो। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप पासवर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो एटलीस्ट यहाँ पे भी जैसे 5 रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो आपको उन रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है एंड उसके बाद आपको जो है एक नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट सारे फुलफ़िल हो रही इसी पासवर्ड में तो आप उसी को आपको प्रिंट करना, वरना आपको एक नया मतलब उसी को एक्सटेंड उसमें जो रिक्वायरमेंट घट रही है उस रिक्वायरमेंट को ऐड करते हुए पासवर्ड को बनाना है, सच डैट कि उसकी जो लेंथ वो मिनिमम रहे। तो मिनिमम लेंथ करने का मतलब है कि आपको जितनी ज़रूरत है बस उतने ही दो। अगर रिक्वायरमेंट अगर एक लेटर से अपना काम हो जाता तो हम एक लेटर ही ऐड करेंगे, दूसरे लेटर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एटलीस्ट फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि अगर 7 लेटर का होना चाहिए कम से कम, तो एंड उसमें एक अपर केस, एक अपर लोअर केस का लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो ये 4 कंडीशन जो है वो इसके करेक्टर पे हैं एंड 1 कंडीशन जो है इसके लेंथ पे है। सो एटलीस्ट 7 लेंथ होनी चाहिए स्ट्रिंग की एंड उसमें एक लोअर केस, एक अपर केस और एक डिजिट और एक स्पेशल करेक्टर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उसमें ऐड करने हैं एंड उसके बाद शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ आपको प्रिंट करनी है। सो शॉर्टेस्ट कितने पॉसिबल लेंथ की स्ट्रिंग बन पाएगी वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप इस केस में देखो, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो तो डिजिट हैं, एटलीस्ट एक डिजिट हो रखे हैं, बट इसमें कोई भी अपर केस, कोई भी अपर लोअर केस और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। सो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर को सिर्फ आपको हैश एट द रेट एस्ट्रिक्स एंड एंड सिंबल को ही ट्रीट करना है, ओके। तो इसमें क्या करना, आपको एक अपर केस ऐड करना, तो कोई एक अपर केस का लेटर ऐड कर दो, एक लोअर केस का तो कोई भी एक लोअर केस का ऐड कर दिया एंड इन चारों में से कोई भी एक सिंबल मैंने ऐड किया, तो ये आपका एक स्ट्रिंग बन जाता है जो आपके सारे यहाँ पर जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, ओके। तो एंड इसके बाद आप ऐड कर सकते हो लाइक लोअर केस का और भी कैरेक्टर ऐड करोगे, बट यहाँ पे यही चीज़ है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ के लिए बताने, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो सिंपल, पहले स्ट्रिंग में जाओ, आप स्ट्रिंग के सारे करेक्टर को आप ट्रेड करो। इसमें लोअर लेटर के लिए आप जो है वो लोअर रख सकते हो, ठीक है, उसमें ये पता चल जाएगा कि लोअर है या नहीं। आप ये भी देखो कि अब अपर है कि नहीं, लोअर तो चेक कर लिया, अपर चेक कर लिया, फिर उसमें एक स्पेशल वाले हम रख लेंगे, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं एंड एक और क्या था कि हमारा जो है उसमें एक नंबर होना चाहिए, तो नंबर वाले चेक कर लेंगे एंड हम इन चारों को देख लेंगे। सबसे पहले लेंथ को, बाद में लेंथ देखो, लेंथ अगर इन चारों को फिल करने के बाद लेंथ अगर कम भी रहा तो हम क्या करेंगे, हम लेंथ किसी भी चीज़ों को ऐड कर देंगे, लोअर को भी ऐड कर देंगे, अपर को ऐड कर दें, तब तक इस लेंथ 7 ना हो जाए, तो ये तो हम बाद में कर सकते हैं। तो सो पहले हमें ये चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी आप समझ रहे हो, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपर, लोअर, स्पेशल और डिजिट नाम के 4 वेरिएबल बनाए हैं जहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग उनके काउंट को रखूँगा। तो अपर ये बता रहा हो कितने अपर केस हो रखे हैं, लोअर ये बता रहा हो कि कितने लोअर केस हो रखे हैं, स्पेशल ये बता रहा है कितने स्पेशल करेक्टर हैं एंड डिजिट में कितने करेक्टर डिजिट वाले हैं, ठीक है। सो पूरे को मैंने चेक किया एंड उसके काउंट ली। अब अपर अगर 0 है तो मैं एक अपर ऐड कर दूँगा और एन प्लस प्लस कर दूँगा। एन प्लस प्लस करने का मतलब अपना लेंथ का स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो एक इंक्रीज हो गया। अगर लोअर नहीं है तो लोअर मैंने दिया और एक इंक्रीज किया, ठीक है। सिमिलरली डिजिट अगर नहीं है तो डिजिट मैंने कोई भी डिजिट दे सकता हूँ, तो मैं बेसिकली यहाँ पे 1, यहाँ पे आप कैपिटल लिख जाएगा कैपिटल बी भी दे सकते हो, बी सी की कोई भी दे सकते हो जेड तक के लिए, ठीक है। वो दिया स्पेशल कैरेक्टर में, अब मैंने ये वाला एंटर एट द रेट दे दिया इसमें, तो वहाँ पर भी इंक्रीज किया। और इन चारों को देने के बाद अगर आपका लेंथ अभी भी 7 से कम है तो फिर मैंने, जब तक आपका लेंथ जो है 7 से कम होगा तब तक मैं एस में एट द रेट ऐड करता रहूँगा। आप यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप एट द रेट की जगह पे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कोई डिजिट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि स्ट्रिंग क्या बन रहा है, स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट बस है वो फिल होनी चाहिए। सो एट द लास्ट आपके पास स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है, एंड यही आपको यहाँ पर प्रिंट करना था। सो आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा एंड इस
इसी कॉन्टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड किया है, सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना, उसकी लिंक आपको आई बटन पे आ रही होगी। ओके, सो क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।